एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं छत के ऊपर आई हूँ और चारों ओर देख सकते हैं आप कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है। थैंक गॉड मैं विकास नगर में रहती हूँ, कहीं गांव वाली जगह नहीं रहती, क्योंकि ठंड मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ, थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है। आज है मेरा आबकारी और आरटीओ का फिजिकल। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मतलब जिनका हो गया है वही समझ सकते हैं अभी मेरे को क्या बीती होगी, क्या कैसा होगा फिजिकल, कैसा होगा वहाँ पे, क्या होगा। थोड़ी नर्वस हूँ और थोड़ी लेट भी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि फटाफट ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और गुनगुना पानी पी लेती हूँ ताकि फ्रेश हो जाऊँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरा फिजिकल है झाझरा में। तो वहाँ पे कैसे कैसे, जो मतलब जिनका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का रास्ता में मैं आप सभी को बताऊँगी। क्योंकि वैसे मुझे भी पता नहीं है, बस मेरे पापा मुझे वहाँ उतार देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है, क्योंकि उधर मेरी मासी का घर है उसी रोड पे। तो मैं आपको सभी को बताऊँगी। और अभी फटाफट मेरे को जाना है, तैयार होना है और बस में बैठना है और बस फिर मैं पापा की बस में जा रही हूँ। लेट होगी ना तो मुझे इस बात का गम नहीं होगा कि मैं लेट होगी, डर इस बात होगी पापा की डांट सुनेंगे। तो वही बात होगी कि लेट से डर नहीं लगता साहब, पापा की डांट से डर लगता है। तो फटाफट तैयार होके मैं, और हाँ मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगी, मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है और कैसे कैसे जो भी है, मैं आपको सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना और मैं फटाफट तैयार होकर आपको मिलती हूँ। बाय बाय। अभी बस आने वाली, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो अभी फटाफट चलती हूँ मैं। पहुँच गई मैं ठीक टाइम पे शायद। ये आ गई बस। इधर ही होगा ना, नहीं अच्छा आ रहा है। अगर इधर नहीं होगा ना तो हमारे पास टाइम नहीं होगा फिर। नहीं नहीं इधर ही है यार, देख ना बच्चे जा रहे हैं। गाइज़ हम पहुंचने वाले हैं। मैं वार्म अप करके जंप मारा तो पैर मुड़ भी गया। अब तक वो उसका एनसीआरटी के मुद्दे अब बहुत ज्यादा बैठते हैं। मेरी घूम रही है पता है मेरी, यहाँ से निकलते हैं यार, बाहर चलो की समस्या। एक लड़की आ रहा उधर हमारे साथ। एम्बुलेंस भी है, जिसको ज़्यादा इमरजेंसी पड़ेगी वो एम्बुलेंस में घर जा सकते हैं, जिसको घर छोड़ने के लिए कोई नहीं होगा वो एम्बुलेंस में जा सकता है। ओके गाइस, ये अंदर से ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकती, पुलिस वाले मेरे डंडे बजाएंगे। इधर में वॉशरूम आए हैं। क्यों भाई के साथ जाओगे क्या आप? नहीं भाई का फोन ला रखा है ना। अच्छा गाइस, यहाँ पे अंदर हो रहा हमारा फिजिकल, पर हमें वीडियो शूट नहीं करने दे रहे। इधर लॉन्ग जंप, रस्सी कूद और उधर रनिंग है। गाइस सब एक दूसरे का पूछ रहे आपका कितना हुआ, आपका कितना हुआ, इसको पता ना हो कहाँ आना है। वो विज्ञान धाम आ सकता है, एक बार विज्ञान धाम के जस्ट बगल में आ गए। सो गाइस हमारा फिजिकल हो चुका है, हम यहाँ से घर जा रहे हैं। गाइज इन सब का कम वेट था और मेरा ओवर वेट। गाइज जो जिंदा बचेगा उसके लिए मेरा फोन। करिश्मा जी की कूदने की तैयारी। इनका नाम करिश्मा है और आपका? करिश्मा। इनका भी करिश्मा, आपका? कंचन। गाइज आज के नाम का सबका फिजिकल था, मेरा नाम करीना। फिजिकल में जाती हुई दो लड़कियां,
करिश्मा वन करिश्मा टू। अरे मैंने ना पता क्या करा, ये लड़की बैठी थी मेरे साथ ना, और मैंने वहाँ आवाज दी करीना, और तीन लड़की पीछे मुड़ गई, तीनों का नाम करीना था। सो गाइस ये हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, जहाँ से आपको अंदर जाना है, इस वाली रोड से, रोड इसके सामने जस्ट रोड है, फिर अंदर जाके कितने किलोमीटर होगा अंदर? एक किलोमीटर होगा। हाँ हेलो डॉगी, हम पैदल जा रहे हैं, डॉगी गाड़ी में जा रहे हैं। ऐसा होगा एक किलोमीटर है ना, एक किलोमीटर। हाँ हाँ गाइस तो अभी हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं विकास नगर के लिए, और हम तीनों विकास नगर जा रहे हैं, चारों। आप भी विकास नगर हो ना, है ना? वो लड़कियाँ गाऊंगी। सो गाइज मैं पहुंच गई हूँ घर, और अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मेरा फिजिकल कैसा कैसा रहा, स्टार्टिंग में क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या 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 सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे पहले तो जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिनका झाझरा में है, तो अगर उनको पता नहीं है कि उनको किस जगह जाना है, मैं उनको बता दूँ। सबसे पहले तो झाझरा में आपको किसी भी बस वाले आपको झाझरा में उतार देंगे बालाजी मंदिर के पास, और बालाजी मंदिर से जस्ट अंदर जाना है आपको, सीधा अंदर जा करके अगर एक किलोमीटर नहीं होगा तो 800-700 किलोमीटर तो होगा ही होगा, और बीच में पुल भी आता है, तो ऐसा लगता है कि यार हमें तो जब, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, जैसे हम अंदर गए तो ऐसा लग रहा था कि यार इतना दूर है, और पुल भी दिख रहा है हमें, और सेंटर दिख ही नहीं रहा, तो बीच में एक पुल भी आता है, मैं आपको लोकेशन बताने के लिए बता देती हूँ। और पुल से जैसे आप क्रॉस करोगे वैसे आपको एक विज्ञान धाम दिखेगा, बस उससे थोड़ा सा ही आगे है जो कि सेंटर है हमारा फिजिकल का। और जहाँ तक फिजिकल की बात करूँ, सबसे पहले वो स्टार्टिंग में आपको जैसे आप एंट्री करोगे आपका वो क्या एडमिट कार्ड देखेंगे, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक वो फॉर्म देंगे, और फॉर्म के साथ आपको लाइन में बैठा देंगे, जो जो रोल नंबर आपका वो सब बैठाएंगे, और उसको फिल करना होगा, मतलब जो जो आपकी पोस्ट होगी, इसमें तीन पोस्टें थी ना, और यहाँ पे धूप लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लोकेशन चेंज करती हूँ अपनी। सो गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसलिए मैं इधर को बैठ गई टंकी के पीछे। देख सकते हो आप वीडियो बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप एक लाइक नहीं करते तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आप मेरी वीडियो में पहुँचे हो। ओके अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ क्या सब हुआ। तो सबसे पहले तो आपको कागज तक पहुँच गई थी मैं, ठीक है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और एक ना जब आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं ना, सबसे नीचे सूचना पत्र है वो लेके जाना, वैसे अगर कोई नहीं भी लेके जा रहा है ना तो वो दे रहे हैं वहाँ पे, उसको सूचना पत्र बोलते हैं। और एक फोटो, फोटो वैसे दो लिखी है उसमें कि दो ले गए ना, वैसे आपके वहाँ पे एक ही फोटो यूज में आएगी, फोटो वहाँ पे पेस्ट करनी है जो वो फॉर्म देंगे, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में आपकी फ़ोटो लेंगे और फिंगरप्रिंट लेंगे, थंबप्रिंट लेंगे, और आपको बैठा देंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपका हाइट वेट चेक होगा, उसके बाद आपको बॉल थ्रो के लिए ले जाएंगे, उससे पहले चेस्ट नंबर देंगे, चेस्ट नंबर के बाद फिर आपको बॉल थ्रो के लिए, बॉल थ्रो तो बहुत नज़दीक है, मतलब ऐसे आप ऐसे भी फेंक दोगे, मतलब मैं अपनी ओर से बता रही हूँ, वैसे बहुत सारी लड़कियाँ नहीं भी कर पाती, अब वो लड़की बोलेगी हाँ खुद कर लिया तो फिर ऐसी, बट ईजी है, कम है, जिस हिसाब से पुलिस में तो 16 क्वालिफाई था, और मैं इसलिए भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी कई क्वेश्चंस थे कि यार वहाँ पे क्या होगा क्या होगा, फालतू की टेंशन लेते हैं ना जैसे हम सब, तो वैसा ही था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं किया, वहाँ पे करने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, और जो सब मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, जैसे ही बॉल थ्रो भी हो जाएगा आपका, वैसे आपको लॉन्ग जंप के लिए ले, लॉन्ग जंप में ना काफ़ी लड़कियाँ बाहर हो रही है, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वही बाहर हो रही है, वैसे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है ना उनका हो ही जा रहा है आराम से। और ऐसा भी हो रहा है कि कुछ बोलते हैं कि आप अगर एक फुट ज़्यादा मार, मतलब जितना आप मार पाते हो उससे आप एक फुट कम ही मारते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से तो एक फुट एक्स्ट्रा लगा जंप, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आपको सभी होंगे, मतलब जो पुलिस वाले हैं ना वहाँ पे सब मोटिवेट कर रही है, हाँ अच्छा अच्छा दौड़ो, यहाँ से दौड़ो, यहाँ से कम दौड़ो, मतलब अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। तो लॉन्ग जंप भी हो गया, और लॉन्ग जंप में आपको तीन चांस मिलेंगे, उसके बाद आपको स्कीपिंग के लिए ले जाएंगे, और स्कीपिंग के लिए उन्हीं का होगा जिनका आरटीओ का फॉर्म भरा हुआ है। और जैसे आपके उसमें भी ऐसा है ना, मतलब एक मिनट में 55 जंप करनी है, तो अगर आप 55 में अगर बीच में रुक रहे हो, मानो आप 20 में रुक गए, तो अगली जो काउंटिंग 21 से स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं कि आपकी फिर से 1 से स्टार्ट होगी, 21 से स्टार्ट होगी, और आराम से हो भी जा रहा है, आराम आराम से कर लो तो हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको सीधा रनिंग के लिए जाएंगे, रनिंग के लिए भी यहाँ से मतलब मैं अपने विकास नगर, अपने देहरादून झाझरा के जो सेंटर है वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे पता कैसे 100 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है, 100 पार 100 आर, फिर जिसका तो आरटीओ का है उसको तो 4 चक्कर मारने हैं 100-100 के, मतलब 400 मीटर 135
मिनट में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी इस पे कि अगर आपने आरटीओ का फॉर्म भरा है तो ही आप 400 मीटर दौड़ना, वरना कोई जरूरत नहीं 400 मीटर दौड़ने की। और आपको पहले ही बता देंगे वो आप लोगों को, क्योंकि जो आपके पास फॉर्म देंगे ना उसमें पहले कट कर देंगे कि आपका आरटीओ का फॉर्म नहीं है परिवर्तन वाला। अगर वो नहीं भरा होगा आपने तो जरूर, मतलब वैसे वो ऐसे बोल रहे ना कि जिसको कन्फ्यूजन है वो 400 दौड़ दो, और कोई फायदा नहीं 400 दौड़ के। मेरा मानना है जिन्होंने आरटीओ का नहीं भरा है उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो 200 मीटर दौड़ो, पूरी जान लगा के दौड़ो और आराम से हो जाएगा। और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी आप सभी को। और क्या हो सकता है इसमें, बस उसके बाद रनिंग होगी, उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर करेंगे। जब सिग्नेचर करेंगे तो आपको सारा आपकी डिटेल दिख जाएगी, आपके कितने नंबर है, आपने कितने में क्या करा, वहाँ पे अच्छे से पूछ भी लेना। अगर आपको समझ आए तो पूछ लेना, सर मेरा कितने का बना, वो आराम से बता देंगे। बस बाद आपको घर भेज देंगे, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बस इतना ही था, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कोई डाउट है, बॉल थ्रो में डाउट है या फिर लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में भी नहीं होगा डाउट क्योंकि बता ही दे रहे वो जितना भी कुछ है, वैसे वो अच्छे से मतलब मोटिवेट अच्छे से कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात है क्योंकि हम भी ये थे कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इतनी है प्रैक्टिस कर रहे थे रोज भयंकर, कुछ नहीं होता, जितना आपसे होता है ना वो आराम से हो जाएगा और बिना डरे हो जाएगा, मजे से हो जाएगा। हो गया मतलब मेरा तो, चलो कि आज 18 तारीख है और आज हो गया तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि यार पटापट नहीं पड़ गया। तो बस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, मैं तो बातें करने में माहिर हूँ, कितना भी बोल दूँ बोलती रहूँगी। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिनका फिजिकल है उनको तो जरूर शेयर कर देना इसके बाद जिसका फिजिकल है, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। और इसके बाद मैं आप सभी के लिए मस्त सा व्लॉग लेके आने वाली हूँ, तो वो भी देखना। और मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।